ये स्कीमा कोड क्या होता है क्या होता है स्कीमा बेसिकली स्कीमा होता है जब भी गूगल का क्रॉलर कोई भी सर्च इंजन का क्रॉलर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है तो आप बता देते हो ये जो तो डेटा लिखा हुआ है ना इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है लॉजिकली वो आपका कंटेंट तो पूरा पूरा पढ़ रहा है पर आपने उसको कुछ स्निपेट दे दी जिससे वो जल्दी जल्दी जान पाए स्कीमा डॉट ओ आर जी करके एक साइट है वो आपको कोड देती है जिसकी वजह से जिस स्टैंडर्ड को सबके साथ सब फॉलो कर रहे हैं जैसे कि मान के चलते हैं आपने अपनी साइट के अंदर एफ ए क्यूज डाले क्वेश्चन डाले क्वेश्चन के आंसर तो उन्होंने स्कीमा का कोड दे दिया कि क्वेश्चन के लिए ऐसे करो आंसर के लिए ऐसे करो क्वेश्चन के लिए ऐसे करो आंसर के, के लिए ऐसे करो तो अब क्या होगा क्रॉलर जब भी आएगा उसको सीधा पता लग जाएगा क्वेश्चन ये आंसर है क्वेश्चन ये आंसर है ये सारा का सारा एफ ए क्यू है तो उनको पता लग जाएगा यह एफे क्यू है हो जाएगा तो इसी तरीके से स्कीमा ने बहुत कुछ बताया है बिज़नेस का नाम नंबर वगैरह वगैरह एड्रेस तो मेरा मानना है कि स्कीमा का हमेशा यूज़ करना चाहिए क्रॉलर के लिए जितनी आसानी रहेगी उतना अच्छा रहेगा ऑल दो क्रॉलर बहुत इंप्रूव होता जा रहा है स्कीमा के बिना भी रिस्क निपेट्स दिखाने लग गया है आज के टाइम पर कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से डालो हमेशा डालो स्कीमा